एक शराबी को देखा कुत्ते के साथ बात कर रहा था, कहे तुला कुठून मलाज नहीं तो तुला कुठून। अरे मला नहीं तो तुला कुठून। बोला क्या बात करे कुत्ते के साथ में, कुत्र नहीं ही इज माय ब्रदर। ब्रदर ब्रदर उधर काय नाही, कुत्रा आहे तो। माझ्या शब्दावर विश्वास नाही, मग त्यालाच विचार तू आणि मी कोण। तो कुत्त्याने का भाऊ 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 भाऊ। अभी नाना पाटेकर साहब मुझे मिले थे, मैंने कहा नाना पाटेकर साहब नमस्ते। इधर इधर इधर। मैंने कहा ये सर बताइए क्या। इधर तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है। मैं कहा नाना भाई ये बताइए प्यार और मोहब्बत में क्या फर्क है, प्यार और मोहब्बत में फर्क क्या है। प्यार वो है जो मैं अपनी बहन से करता हूँ और मोहब्बत वो है जो तेरी बहन से करता हूँ। मैंने कहा अबे मोहब्बत बहन से नहीं कर सकते क्या। इधर आ इधर आ और सवाल कर। मैंने कहा नाना भाई मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, उसको मैं गिफ्ट क्या दूं। लड़की दिखने में कैसी है, बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत, उसको मेरा नंबर दे। ओम शांति ओम। किंग खान को मैंने देखा किंग कॉन्ग बन गए, डांस कर रहे एकदम दुबले होके, दिल में मेरे है दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को दर। अरे मैंने कुछ भर दे डिस्को भाई, दर्द है डिस्को दर्द। इतना दुबला आदमी डांस करेगा तो बदन में दर्द हो गई ना। उसके बाद में इस फिल्म में, इस फिल्म के साथ साथ एक फिल्म आ रही है सावरिया, उसमें सलमान खान साहब का गाना जो है वो रणबीर कपूर ने कर लिया है, कपड़े पहने नहीं है। टावलिया 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 हो हो टावलिया, असल का नहा रहा है टावलिया। मैंने भी ऐसा किया, मैं टॉवल पहन के गया एक लड़की के पास में, सावरिया सावरिया हो, लड़की ने चमार मारा, चल पूरे कपड़े पहन के चल पूरे कपड़े चल। और ये साथ साथ में एक ऐसा भी होता है कभी कभी, जब हम लोग टेलीविजन देखते हैं और टीवी पे एक अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखते हैं, कभी कभी कुछ बुजुर्ग टीवी सामने बैठ जाते हैं, बुजुर्ग चश्मा पहना नहीं है हाथ में रिमोट है, चैनल भी ऐसा चेंज करते जैसे बम फोड़ने वाले हो। हमारे बुजुर्ग बुढ़े लोग बेचारे पोते ने पूछा दादाजी क्या देख रहे आप, बेटा आदिवासी औरतें देखो आदिवासी औरतें, दादाजी चश्मा पहना वो फैशन शो है। टीवी में देखिए आजकल बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम खासकर आ रहे हैं, सारे गामा पा सारे जमा हाँ ये वो इंडियन आइडल, बहुत सारे म्यूजिकल वॉइस ऑफ इंडिया, इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, उसमें एक सिंगर गाता है तो उसमें कमेंट्स किस तरह से किए जाते हैं, गौर कीजिएगा, बड़ा प्यारा आइटम है, आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप पसंद करेंगे। जिस तरह से एक बच्चे ने गाना गाया, कोई कोई गाना गा रहा है, मैं आपको साथ चाहूंगा हमारे विजन भाई, गौर कीजिए कोई बच्चा गाना गा रहा है और उस प्रोग्राम में इंडियन आइडल में किस तरह से उस पर कमेंट्स और किस तरह से उसको गुरु सजेशन देते हैं। इंडियन आइडल में गाना गा रहा है बच्चा, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अब इसमें उदित नारायण करते हैं कमेंट्स। उदित जी मेरे फेवरेट, उदित जी क्या बात है आज अमित अच्छा गाई है, कल अंकिता भी अच्छा गाया था, एवरीबॉडी अच्छा गा रहे थे, डिजर्विंग पर्सन, तुम इंडियन आइडल बनोगे, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि तुम इंडियन आइडल बनोगे। हमारे जावेद अख्तर साहब वो किस तरह से कमेंट्स पास करते थे कि जावेद साहब वो कमेंट्स किस तरह से पास करे, भाई जो गाया जो है तुमने बड़ा अच्छा गाया है, लेकिन जहां तक तो गायकी का मामला है उसमें तो मैं शायद तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो तुम्हारे तलफ्फुज़ है वो बड़े फुस है, इसको कुछ नहीं ख्याल रखो, क्योंकि तुम जो देखिए अम्मी साहब मैं तो समझा रहा हूं, या तो आप समझा दीजिए खुद ही,
भाई जब मैं समझा रहा हूँ, मैं राइटर कौन है आप ही है, मैं समझा रहा हूँ उसे। आदिशा जनाय जी आप भी चुप हो जाइए, इनका तो चुनाव ही गलत है। भाई देखिए जबान पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका जबान पे कंट्रोल नहीं है। बोले आपका है क्या? बच्चन साहब ने अभिषेक की शादी में मुझे भी बुलाया था, जिस कार्ड पे लिखा हुआ था आपका आशीर्वाद अनिवार्य है उपस्थिति नहीं। शत्रु साहब से पूछा कि आपको शादी का कार्ड मिला? हर्ट, शादी का कार्ड तो वो अपने दोस्तों को देंगे, मैं तो शत्रु हूं। हमारे राजेश खन्ना साहब से पूछा गया कि आप गए शादी में? मुझे सर्दी है रे। हे भगवान, किसी को मुंह मत दे, मुंह देता है तो नाक मत दे, तो नाक देता है तो सर्दी मत दे, क्योंकि जब सर्दी होती है ना तो आंसू आंख से नहीं। And I hate tears. हमारे प्यारे धर्म जी भी चले गए, गौर कीजिए धर्म जी। धर्म जी ने भी किस तरह से बच्चन साहब को बधाई दी। जय जय, मैं चाहता हूं कि तुम्हें खुशी मुबारक हो। जिस तरह से मैं जीत कर आया हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि देश में कितनी एकता है। तो बच्चन साहब ने कहा सर बताइए कैसी एकता है। मेरे बेटे की फिल्म रिलीज हुई अभी, उसको ना हिंदू ने देखा, ना मुसलमान ने देखा, ना सिख ने, ना ईसाई ने। देश में कितनी एकता है, देश में एकता। कपूर जी भी हमें बात का ख्याल है, जीतू साहब भी कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अमित जी वेरी गुड, आपने अपने बेटे की शादी की और बालाजी चले गए, अच्छा किया। अब देखना आपके घर पे जिंदगी भर एकता और शोभा बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और ईश्वर करे आप हमेशा ऐसे ही हंस